12 तारीख को एक घटना हुई थी। एक फिनो बैंक का जो कस्टमर पॉइंट होता है, सीएसपी संचालक था, उसके साथ में लूट की घटना हुई थी। उसका घर वही गांव में पीछे है बोजी में। वो जाते वक्त खेत से 5-6 लड़के आए थे, उन्होंने उसको दमनचे के बल पर रोक कर उसके गाड़ी के डिक्की में रखा हुआ जो बैग है उसको लूटा था। उसमें उसके कुछ पैसे भी थे, कुछ सामान अन्य भी था, और जो इस बैंक के संबंधित जो फिंगरप्रिंट का मशीन था वो भी था। ये सब चीज़ें इन लोगों ने लूटा था। इस पर काम करने के लिए हमने 4 टीमों को लगाया था। उन टीमों ने इसमें मेहनत करके जो खुलासा किया है उसमें 6 अभियुक्त आज गिरफ्तार हुए हैं। ये 6 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त वही बोजी के रहने वाले हैं और 4 लोग जो है जो आजमगढ़ में रहते हैं। ये लोग, इनमें से कुछ लोग एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि ये सीएसपी संचालक जो है वो प्रतिदिन जब घर जाता है तो इसके पास कुछ ना कुछ कैश होता है, तो इसको खेत के पास अकेले में देखते हुए उस कैश को लूटा जाए। और इसका प्लान लगभग ये 1 हफ्ते पहले से बना रहे थे। इसमें इन लोगों ने जो प्लान बनाया उसके अनुसार एक व्यक्ति को उन्होंने दुकान के पास इस व्यक्ति को पहचानवाया और ये बताया कि जैसे ये दुकान से निकलता है तो फ़ोन से सूचना दी जाए तो हम खेत से निकल कर उसको लूटेंगे। तो ये बात भी वेरीफाई हुई है, जो फ़ोन से इनके द्वारा सूचना दी गई है वो दोनों नंबर भी हमारे द्वारा निकाले गए हैं और किसने किसको सूचना दी वो सब डिटेल भी केस डायरी में विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। वो सूचना देने के बाद आगे इन सभी अभियुक्तों ने उसको खेत में रोका और रोक के फिर उसके जो बैग है ये सब चीज़ें लूट के लेके गए थे। ये सब चीज़ें इन लोगों से पूछताछ करने के बाद में इन्होंने जहाँ पे पैसे का बांटा आपस में, सभी को जो पैसा बांटा उन्होंने जब मिला था वहाँ पर बरामद भी हुई है। तो इन लोगों से एक लूट में जो थंब स्कैनर गया था जिससे फिंगरप्रिंट स्कैन करते थे वो मिला है। 34,000 रुपये इन लोगों से मिले हैं। 3 गाड़ियाँ जो इस्तेमाल हुई थी इस लूट में आजमगढ़ से यहाँ पे आने तक के लिए और वहाँ इकट्ठा होने के लिए और वहाँ से भागने के लिए, वो तीनों गाड़ियाँ बरामद हुई है। 2 तमंचे इन लोगों से बरामद हुए हैं और जो वादी है उसकी जो बैग गई थी उस बैग के अंदर इसके पैसों के अलावा उसका रजिस्ट्रेशन जो गाड़ी का था वो भी था, ड्राइविंग लाइसेंस भी था और अन्य कागजात थे वो भी इन लोगों से बरामद हुए हैं। जो टीम है उन्होंने इसमें बहुत जल्द, 12 तारीख की घटना थी, बहुत जल्द इसमें लगकर खुलासा किया है। संवेदनशील घटना थी, उनको हमने 25,000 के इनाम की घोषणा भी की।